गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा आवाज़ को हुआ क्या है, क्योंकि आवाज़ मेरा बैठ गया है और डबल डबल आवाज़ आ रहा है। कहीं मुझे ये लगता है कि ये आवाज़ जो रोज़ मैं ब्लॉग बनाती हूँ उस कारण से तो नहीं हुआ है, टेंशन होता है। इसलिए रोज़ मैं ब्लॉग के बारे सोचती हूँ कि आज कौन सा ब्लॉग बनाऊँ, कैसा बनाऊँ। सो आज मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोग देख के बताइएगा। एक मिनट मैं निकालती हूँ इसमें। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है गांव का बरी, ये आप देख सकते हो। ये गांव से आता है हमेशा हम लोग के यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं इसे बनाने के लिए। हम लोग नहीं, हम जाते चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले बाल बांध लेते हैं, गर्मी का टाइम है। आप देख सकते हैं मैं कम से कम इतना तो बनाऊंगी, ये मेरी फैमिली के लिए काफ़ी है। तो भाई इसके लिए हम लोग पहले प्याज को काट लेंगे, क्योंकि दो प्याज ही कम से कम 250 ग्राम प्याज काटेंगे तभी होगा, इतना प्याज कम से कम लगेगा इसमें। तो गाइस सबसे पहले इसे बनाने के लिए कढ़ाई में तेल ले लेंगे और अभी हम लोग बरी को एकदम अच्छे तरीके से भून लेंगे। उतना भी नहीं भूनना है एकदम कि लाल और काला हो जाए, तो इसलिए इसको हल्के हल्के गोल्डन होने तक भूंजेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा भूंजेंगे ना तो ये सीझेगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि इतना ये बरी ना स्टाइल मारता है, ये क्या बोले, ये सीझता ही नहीं है जल्दी। इसमें 8-10 सीटी मारना पड़ता है तब जाके ये सीझता है। सो इसलिए हल्का हल्का ही भूनना है और कम तेलों में ही भूनना है, ताकि ये ऐसे होता है ना कि फ्राई ना हो जाए। फ्राई नहीं करना है इसको, ऐसे भून करके रोस्ट भी नहीं करना है और ना ही फ्राई करना है, उसको मीडियम में ही हम लोग को रखना है। और ये देखिए मेरा लमसम हो चुका है, 90% ये हो चुका है और अब हम इसे निकालेंगे। तो निकालने से पहले इसको अच्छे तरीके से इसमें तेल को बिगाड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर तेल नहीं बिगाड़े तब भी चलेगा, लेकिन तेल गार के ही निकाल ले, क्योंकि ये ऐसा बरी है कि तेल उतना अच्छे तरीके से निकल नहीं पाता है और मेरे आवाज़ को इग्नोर करे, क्योंकि डबल डबल आवाज़ आ रहा है, मेरा गला बैठ गया है। सो इसीलिए फिर भी मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ और इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत सारा आवाज़ आ रहा था, इसीलिए मैं ऊपर से आवाज़ मुझे देना पड़ रहा है। तो कृपया करके आप लोग एडजस्ट कर ले इस आवाज़ के साथ भी, क्योंकि मैंने ये रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और ये आप लोग मतलब बाहर मेहमानों के लिए भी आप लोग बना सकते हैं। हिचकिचाइए नहीं कि हाँ कि गांव का चीज़ें मैं कैसे खिला दूँ मेहमानों को, लेकिन जितना देसी तरीके का खाना होता है ना उतना ही मेहमानों को पसंद आता है। और ये हम लोग अक्सर बनाते हैं जब दोपहर का टाइम होता है भात के साथ और ये बरी का सब्जी, क्योंकि हम लोग उसके अलावा फिर कुछ हम लोग बनाते नहीं है ऊपर से एक्स्ट्रा, फिर सलाद हम लोग लेकर के खाते हैं उसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने उसी तेल में, मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, मैंने उसी तेल में जीरा और तेज़पत्ता का वो फ़ौरन दिया है और फिर उसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतना तुरंत तुरंत कैसे मैं डाल दे रही हूँ इसमें नमक चाहे हल्दी जो भी कुछ हो, क्योंकि मैं कैमरा को रोक रोक करके मैं ये चीज़ें बना रही हूँ और जब मैं मुझे डालना होता है इसमें तब मैं कैमरा को ऑन कर देती हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुकर में पानी ले लिया है और जब तक इसको अभी हम लोग खोलने देंगे, क्योंकि अगर ऐसे अगर हम लोग दूसरे गैस पर अगर हम लोग चढ़ा देते हैं तो ये जल्दी हो जाता है। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि प्याज लाल हो चुका है और अब हम लोग इसमें हल्दी ऐड करेंगे
और हल्दी ऐड करने के बाद मैंने उसे भून लिया था। फिर उसके बाद मैं जो अपना जो मसाला रहता है वो जीरा मिर्च, जीरा गोलकी और लहसुन और अदरक का मैं जो पेस्ट बनाती हूँ, मैं उसी से अक्सर मैं खाना बना सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि उसका जो स्वाद होता है वो एक अलग किस्म का मसाला बनता है, क्योंकि उसमें और कोई चीज़ें मैं ऐड करती ही नहीं हूँ। फिर बाकी मैं ऊपर से पाउडर डाल देती हूँ सब चीज़ों का, जैसे कि मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ, फिर बहुत तरह का धनिया पाउडर, सब तरीके का पाउडर मैं ऊपर से यूज़ करती हूँ। ऐसे मैं पीस के लिए पीसना होता है चार चीज़ें ही पीसती हूँ। फिर ये देख सकते हैं मैं मिर्च पाउडर को भी ऐड कर दिया है, और फिर इसके बाद इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी, लेकिन अभी भूनने के बाद। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और जब तक तेल ना छोड़े तब तक भून सकते हैं इसको। जितना लाल तरीके से भूनिए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने ये मेरी सास को बनाते हुए देखा था, तभी मैं सोच रही थी कि मुझे भी बनाना है, एक ना एक दिन बनाना ही है ये चीज़ें, क्योंकि मेरी सास मुझे जल्दी ये चीज़ें नहीं देती थी बनाने के लिए, कि मैं अच्छे तरीके से बना पाऊँ कि ना बना पाऊँ। इसीलिए जब भी मेरी सास बनाती थी तो मुझे साइड में खड़ी रखती थी कि तुम यहाँ पे रहो, हम बनाते हैं। तो मैंने देख लिया है रेसिपी और देख लिया था रेसिपी और उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। सो इसको देखिए अभी हम लोग कैसे, थोड़ा सा अगर इसमें चिपकने लगे तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं ऊपर से एक और मसाला ऐड करती हूँ, मीट मसाला, जो कि ये महकने में अच्छा लगता है, मतलब महकेगा बहुत अच्छा महकेगा और थोड़ा बहुत स्वाद भी इससे लगता है। तो अगर आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप लोग बिना मीट मसाला का भी बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने इसी में ऐड कर दिया है मीट मसाला। वैसे तो आप लोग ऊपर से भी डाल सकते हैं कुकर में, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ इसमें मीट मसाला। तो आप लोग भी ऐसे इस तरीके से भी डाल सकते हैं। और अब देखिए ये पूरा तरीके से भून चुका है मेरा मसाला। तो मैं अब इसे जो गर्म पानी जो मैंने रखा था पहले से ही, उसमें अब इसको ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़ा संभल के करना होता है, क्योंकि कढ़ाई फिसल जाता है कभी कभार, होता है मेरे साथ, ऐसा हुआ भी है जब मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी। लेकिन अभी देखिए मैं बनाने लगी हूँ तो थोड़ा संभल के करती हूँ इसमें। और इसको फिर मिलाने के बाद ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर गर्म पानी पहले से नहीं रहे तो और भी एक घंटा टाइम लगता है, जैसे मीट में लगता है उस तरीके से एक घंटा इसमें भी टाइम लगता है। तो ये देखिए पानी का कलर क्या हो गया है, और इसको ज़्यादा देरी नहीं लगेगा खोलने में, 5 मिनट ही लगेगा खोलने में। सो अभी हम लोगों ने इसको चढ़ा दिया एकदम हाई फ्लेम पे, और ये देखिएगा 5 मिनट के बाद ये तुरंत खोलने भी लग जाएगा। तो गाइज ये जितना देरी से बनता है उतना ही टेस्टी भी बनता है। और ये देखिए लाल लाल हो चुका है, ये हम लोग का गांव का बरी कितना सुंदर एकदम देखने में लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है भात के साथ खाने में। और ये देखिए हम लोग का रेडी हो गया है, ये उबाल आ चुका है इसमें, और हम लोग को ज़्यादा इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन मेरे हाथ में एक फ़ोन है, इसीलिए मैं अभी दोनों हाथ से करना पड़ेगा, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगी। सो आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। ये देखिए मैं लास्ट में ऐड किया था तो थोड़ा सा गिर गया गैस के उधर। सो अभी हम लोग का बनने के बाद तैयार हो जाएगा। और ये देखिए गाइस ये कितना सुंदर तैयार हुआ है, रेडी हो चुका है ये बनके। तो गाइस अब हम लोग इसको अब एंजॉय करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग भी एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छा रेसिपी है, आप लोग इसे घर में भी बना सकते हैं। उड़द दाल से ये बरी बनता है। सो मैं इसका भी वीडियो कभी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं डाल पाऊंगी, इसको मैं मुझे पूछना पड़ेगा। तो बाय गाइस।